بالأولى والأخرى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم إن الله تعالى جعل النكاح سببا لاحقا وأمرا مفترضا وشج به الأرحام وألزمه الأنام، فقال تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الناكح راغب، والمنكوحة مرغوبة، والمهر على ما تراضيا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه كان للأوابين غفورا. جناب यूसुफ नदाद साहब, आप वाली और वकील हैं अपने साहबजादी ज़करिया नदाद, ज़ाकिरा नदाद की तरफ से। आपने अपनी विलायत और वकालत से मेहरे फातमी के अवज पहले गवाह जनाब अब्दुल रहमान नल्ला साहब और दूसरे गवाह जनाब मसूद काला साहब, इन दो गवाहों की गवाही और दूसरे मुसलमाना ने हाजरीन मजलिस के रूबरू, क्या आपने अपनी साहबजादी ज़ाकिरा नदाद को यूसुफ अब्दुर्रहमान नल्ला के निकाह में दिया? जी हाँ। सुनिए जनाब यूसुफ अब्दुर्रहमान नल्ला साहब, हमारे मोहतरम जनाब यूसुफ नदाद साहब ये वाली और वकील हैं अपनी साहबजादी ज़ाकिरा की तरफ से। इन्होंने अपनी विलायत और वकालत से मेरे फातमी के अवज पहले गवाह जनाब अब्दुर्रहमान नल्ला साहब और दूसरे गवाह जनाब मसूद काला साहब, इन दो गवाहों की गवाही और दूसरे मुसलमाना ने हाजरीन मजलिस के रूबरू, ज़ाकिरा नदाद को आपके निकाह में दिया, क्या आपने ज़ाकिरा नदाद को अपने निकाह में कबूल किया? जी, कहिए। मैंने ज़ाकिरा नदाद को अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा बिल खैर। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. پروردگار عالم اس نکاح کی تقریب کو قبول فرما. پروردگار عالم طرفین میں زوجین میں بے حد محبت مودت رافت عطوفت پیدا فرما. الہ العالمین ایک دوسرے کو موت کے وقت تک ساتھ نبھانا نصیب فرما. اللہ ہر نشیب و فراز میں زندگی کے ہر اونچ نیچ میں اللہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے موت تک کے لیے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما. اے اللہ اس جوڑے کو صاحب اولاد بنا. اے اللہ اولاد وہ دے
कि जो दुनियावी एतबार से भी बुलंद बुलंद ओहदों पर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो, कोई बैरिस्टर हो और दुनिया के दीगर बड़े बड़े उलूम व फ़नून में अल्लाह वो ऊँचे हों, तो दीन के एतबार से वो हाफिज़ कुरान भी हो, आलिम दीन भी हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुफ्ती हो, दाई इल्लल्लाह हो, अल्लाह ऐसी औलाद नसीब फरमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल व करम से, ए अल्लाह हासिदों के हसद से, शरीरों के शरारत से, दुश्मनों की दुश्मनी से, बदखाओं की बदखाई से, बद नज़रों की बद नज़री से, मुफसिदों के फसाद से, कमीनों की कमीनगी से, और अल्लाह शरारत करने वालों की शरारत से जोड़े की हिफाजत फरमा। अल्लाह हर तरफ से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हर तरह की तकलीफ़ों से, दुखों से, आफतों से, कुलफतों से अल्लाह इस जोड़े की हिफाजत फरमा। हमेशा शादो आबाद रखना, हर गम से, हर मुसीबत से इन्हें दूर रखना। इलाल आलमीन ये निकाह सिर्फ दो फर्दों के दरमियान नहीं, दो ख़ानदानों के दरमियान मेल मिलाप का ज़रिया फरमा। परवरदिगार आलम इस मुबारक महफिल में बड़े बड़े तेरे दोस्त हैं, मशाइख हैं, वली हैं, ये अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के पढ़ाने वाले, तेरे कुरान की तफसीर करने वाले, ए अल्लाह इन लोगों की बरकत से अल्लाह इस निकाह की तकरीब को बेहद कबूल फरमा, बेहद कबूल फरमा, बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से हमारी दुआएं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तौफैल कबूल फरमा। जब अपनी रहमत में बुलाए तो अल्लाह कलमा तैयबा के साथ अपनी रहमत में बुलाना। ए अल्लाह आज इस मौके पर बिलखसूस दूल्हा और दुल्हन के वो अज़ीज़ अक़ारिब जो अगर आज ज़िंदा होते तो इस महफिल में ज़रूर शरीक होते, लेकिन ए अल्लाह वो तेरी रहमत को पहुँच चुके हैं। ए अल्लाह जहाँ कहीं भी वो उनकी कब्रें बनी हुई, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। ए अल्लाह उन्हें भी अपनी जगह, अपनी कब्रों में खुश फरमा दे, जिस तरह दूल्हा और दुल्हन के दीगर रिश्तेदार ज़मीन के ऊपर खुश हैं, ए अल्लाह उन्हें अपनी कब्रों में खुश कर दे। ए लाल आलमीन जो बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआएँ अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तौफैल कबूल फरमा। दमे वापसी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बहुत मुबारक भाई, बहुत मुबारक। हालात की वजह से जरा बी केयरफुल मुसाफिर, हजरत की बात और है। मैं थोड़ा आगे आगे बढ़ जाऊँ, था डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए। बस बस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबीयिल उम्मीयिल हबीबिर रऊफिर रहीमिल करीम व अला आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमईन, अम्मा बाद। गुज़िश्ता जुमेरात को की मजलिस में अल्लाह सुबहानहु व ताला की अता करदा तौफीक से आप हजरात की खिदमत में ये मज़मून पेश किया जा रहा था कि अल्लाह सुबहानहु व ताला की मोहब्बत को पाने का आसान रास्ता और आसान तरीक़ा क्या है।
अल्लाह की मोहब्बत यही ज़िंदगी का असल मकसद है, अल्लाह की मोहब्बत को पाना। कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद में है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून ऐ लियारिफून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि उसे मेरी मारिफत नसीब हो जाए, वो मेरी मारिफत हासिल करे। और याद रखें कि किसी की मारिफत हासिल हो जाए तो उसकी अज़मत भी दिल में आती है और अज़मत के साथ साथ उसकी मोहब्बत भी दिल में आती है। जब तक मारिफत न हो, इंसान को किसी के पहचान न हो, तो उसकी मोहब्बत और उसकी अज़मत नहीं आती। जब मारिफत हो जाए किसी इंसान की, तो फिर उसके साथ उसकी अज़मत भी उतरती है और उसकी मोहब्बत भी दिल में उतरती है। मुझे याद है एक छोटा सा वाकया, मैं आपको सुनाऊं कि मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे था, तो एक साहब के वालिद साहब आ रहे थे पाकिस्तान से, और वो कहीं दूर से आ रहे थे तो रास्ते में उनको ट्रैफिक में वो फंस गए। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम्हारा दादा आ रहा है, जाओ जाकर उस दादे को रिसीव करो, इतनी देर में मैं भी पहुंच जाता हूं। अब मैं वहीं बैठा हुआ हूं, तो एक लड़का आया हाथ में फूल का हार लिए हुए, घूम रहा है फिर रहा है। तो एक बाबा ज़रा पकेरी उम्र का था, बड़ी उम्र थी उनकी, वो अपने सामान को उसमें उसको क्या कहते हैं ट्रॉली पे डालकर बाहर निकला। बहुत सारे लोग जा चुके थे, अब वो लड़का उधर उधर घूम रहा, ढूंढ रहा अपने दादा को। अब वो बूढ़ा उसके पास गया और जाकर उससे कुछ पूछने लगा। उसने कहा मेरे पास टाइम कोई नहीं, किसी और से पूछ लो, मेरे पास टाइम कोई नहीं। और उसको छोड़कर वो आगे ढूंढ रहा आगे पीछे, इसलिए कि उसने अपने वालिद साहब को तो देखा था, उसके वालिद साहब यहाँ थे, उसने अपने दादा को नहीं देखा था। और उसके जहन में भी नहीं था कि मैंने दादा को लेने जाना है, कि दादा आ रहे हैं मैंने दादा को लेने जाना। अब जो बूढ़ा उसके साथ टकराया ना, वो बूढ़ा कद के एतबार से मेरी कद का होगा और उसके वालिद साहब 6-6.5 फुट के थे। उसके जहन में अपने वालिद का एक और तस्वीर था कि वो भी लंबे होंगे चौड़े होंगे, उनका रंग ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अब वो बेचारा बूढ़ा ढूंढता पूछता, कोई जवाब दिया किसी ने नहीं दिया। वो मेरे पास आके बैठ गया और बैठकर बातें होने लगी, भाई आप कौन है, कहाँ से हैं, पाकिस्तान से है, यहाँ कोई आपको लेने नहीं आया। कहा मेरा बेटा आने वाला था, अभी आया नहीं है, तो ये उसका फ़ोन नंबर है ये। मैंने फ़ोन घुमाया उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मेरा बेटा है जो इसको लेने आ रहा है, तो उनको अपने पास बैठाएं जब तक आप हैं, मेरा बेटा आएगा और उनको ले जाएगा। सारे अंदर के पैसेंजर चले गए। अब वो एक लड़का वही लड़का जो हाथ में फूल लिए खड़ा है अपने दादे के इंतज़ार में, वो रह गया, मैं हूँ और वो बाबा है और 2-3 आदमी इधर उधर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं उठकर उसके पास गया, मैंने कहा भाई तुम किसको ढूंढते हो? उसने कहा मेरा दादा आने वाला है। मैंने कहा तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तुमने दादा को देखा है कभी? कहा देखा नहीं है। मैंने कहा कि उसका नाम क्या है? उन्होंने उनका नाम बताया, कहाँ से आने वाला है, वहाँ पाकिस्तान से, कौन से इलाके का है। मैं तो सुन चुका था उससे, सारे इंटरव्यू में उस बाबे का ले चुका था इतनी देर में, तो उसने सारा कुछ बताया। मैंने कहा वो तो आ गए हैं। कहा किधर है? मैंने कहा वो मेरे साथ। तो जब मैं लेकर उसको आया उस जगह पे जहाँ पे उसका दादा बैठा हुआ था, मैंने कहा ये है तुम्हारे दादा। उसने दादे को देखा तो यकीन कीजिए कि ऐसे वारफ्तगी के साथ
दादे से लिपट गया, उसको चूमने लगा, उसके उसको बोसा देने लगा। या अल्लाह, मैं हैरान हूँ कि 15-20 मिनट आधा घंटा पहले यही बाबा जब उससे कह रहा था कि बेटा मुझे ये बताओ इसका, तो उसने उसको झड़क दिया, उसने कहा कुछ नहीं, और अभी इतनी वारफ्तगी के साथ बेइख्तियारा तरीके से अपने दादे को मिलने लगा है। फिर मुझे ये हकीकत समझ में आ गई कि मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। जब तक मारिफत नहीं थी, उसको पता नहीं था ये मेरा दादा है, तब तक ना इस बूढ़े की उसके दिल में अजमत थी, ना बूढ़े की मोहब्बत थी। और जैसे ही उसे पता चल गया कि ये मेरा दादा है, मारिफत हो गई, तो उसके दिल में इसकी अजमत भी पैदा हो गई, इसके दिल में इसकी मोहब्बत भी पैदा हो गई। तो अल्लाह सुबहानहु व ताला ने हमको अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। जब मारिफत इंसान को अल्लाह की हो जाएगी, तो अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। तो अल्लाह की उस मोहब्बत को कैसे पाना है, उसका आसान तरीका क्या है, ये आसान तरीक़ा मैंने गुज़िश्ता 2 मजलिसों में बहुत तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो है, हमारे मशाइख का फैज़ है, हमारे माँ बाप की, हमारे असातिज़ा किराम की दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है। बल्कि साथ ये भी कहूँ कि हज़रत मौलाना अब्दुलरहीम साहब शेखुल हदीस व तफसील की करामत है, और उनके इस तफसीर रहीमी .com की मकबूलियत इंद अल्लाह और इंद अन्नास है। का आलम यह है कि सिर्फ 1.5 दिन में, जुमेरात की रात को मैं बयान करके गया, और सैटरडे को हज़रत मौलाना का सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपके उस प्रोग्राम को तकरीबन 13,000 आदमियों ने देख लिया है। सिर्फ 1.5 दिन में 13,000 आदमी देख चुके हैं। अब तक तो पता नहीं कितने हज़ार इंसान देख चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमारी उस मजलिस को भी कबूल फरमाए। आज मैं वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, इंतहाई इख्तिसार के साथ, कि अल्लाह की उस मोहब्बत को पाने के बाद अब उस मोहब्बत को बढ़ाना है, आगे ले जाना है। मोहब्बत का सबसे ऊंचा मकाम हासिल करना है, तो उसके लिए कोई तरीका है, कोई आमाल है। एक दफ़ा अल्लाह की मोहब्बत को हमने पा लिया, तो उस मोहब्बत को पाने के बाद अब उस मोहब्बत है और बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि अल्लाह सुबहानहु व ताला का मकाम क़ुर्ब हासिल हो जाए, मोहब्बत का आला मकाम हासिल हो जाए। क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, बुज़ुर्गान दीन और अहलुल्लाह बताते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत को पाने के बाद उस मोहब्बत में तरक्की पाना, और उस मोहब्बत को तरक्की देना, और उस मोहब्बत में आगे बढ़ना, कि अल्लाह सुबहानहु व ताला का मकाम ख़ास हासिल हो जाए, उसके लिए भी चंद आमाल बताए गए। उनमें से पहला अमल, अल्लाह करे आज की मजलिस में ये पहला अमल पूरा हो जाए, आमीन। पहला अमल ये है, ऐ इंसान जिसने अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, अब ये चाहता है कि इस मोहब्बत में तरक्की करे, और तरक्की करे, और खूब तरक्की करे, तो उसके लिए पहला अमल ये है कि उसे कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत करना चाहिए, कुरान मजीद की। इसलिए कि हमने बुज़ुर्गों से सुना, आपने भी सुना इस मिंबर व मेहराब से हज़रत मौलाना अब्दुलरहीम साहब से, कि मुतकल्लिम के हर कलाम में कुछ न कुछ तासीर होती है, कलाम में हर बात में तासीर होती है, और बात में तासीर उतनी होती है जितने साहेब कलाम में तासीर होती है। तो कलाम में असर मुतकल्लिम के असर का परतव होता है, उसका अक्स होता है।
बोलने वाला जिस तरह होगा उतना ही उसके कलाम में असर होगा। हमने अपने बुजुर्गों से एक वाकया सुना जो अचानक याद आ गया कि बहुत बड़ी खानका थी और उस खानका में हजरत बयान करते थे। अब उनका साहब ज्यादा आलिम बन के आया तो एक दिन अब्बा से कहने लगा, अब्बा आपका बयान बड़ा खुश्क होता है। कहा बेटा मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि बयान तू ही किया कर। उन्होंने कहा अब्बा इस हफ्ते को मैं बयान करूँगा। कहा कर लेना। तो वो बयान करने बैठे और उन्होंने इस कदर बेहतरीन बयान किया, लेकिन मजमा है कि जैसे पत्थर का मजमा है। जब बयान करके फारिग हो गए तो अब्बा आके कुर्सी पर बैठे और अब्बा ने एक जुमला कहा, दोस्तों रात को मैंने छत के ऊपर जलेबी रखी थी या दूध रखा था ठंडा होने के लिए कि मैं सुबह उठूंगा तो जाकर दूध पी लूंगा सहरी के वक़्त पे। जब सुबह मैं ऊपर गया उस दूध को देखने के लिए तो वो दूध बिल्ली पी चुकी थी। वो इतना कहा तो मजमा रोने लग गया और मजमे पर हाल तारी हुआ और मजमा लौट पौट हो गया रोते रोते। उन्होंने कहा ये देखो मैंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की मगर यही मजमा है, टस से मस ना हुआ। और मेरे अब्बा ने इतनी बात की कि बिल्ली के लिए मैंने दूध रखा था ठंडा होने के लिए और बिल्ली आई और पी गई। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। जब वो घर गया तो घर जाकर अब्बा से कहा, अब्बा आपने तो एक मामूली सी बात की और उस पर मजमे पर हाल तारी हो गया। फरमाया बेटा तुमने जो बात की थी वो यहाँ से ऊपर ऊपर की थी और मैंने यहाँ से की थी। तो यहाँ से जो बात की थी उसका असर कुछ और होता है और यहाँ से जो बात की उसका असर कुछ और होता है। तो हर कलाम में असर होता है और असर मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाले की हैसियत से उसके कलाम में असर होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, अल्लाहु अकबर, मखलूक के कलाम में असर और मखलूक में दर्जा बदर्जा जितना दर्जा उसका ऊंचा होगा उतना उसके कलाम में असर, तो फिर खालिक के कलाम का असर क्या हो, क्या कहना उसका, कभी उसका अंदाजा लगा ले। अल्लाह के घर बैठा हूं, बुजुर्गों की मौजूदगी में कह रहा हूं कि शऊरी और लाशऊरी तौर पर अल्लाह के कलाम का असर दिल पर जरूर पड़ता है। और एक बात और कहूं, आपने सुनी होगी मगर मैं कह देता हूं कि अल्लाह के कलाम का असर मुसलमान गुनहगार से गुनहगार मुसलमान हो उसके कल्ब पर भी पड़ता है, हत्ता कि जो गैर मुस्लिम हो उसके दिल पर भी अल्लाह के कलाम का असर ज़रूर होता है, गैर मुस्लिम के दिल पर। फिर के जाए कि कोई मुसलमान पढ़े और पाबंदी से पढ़े और अल्लाह का कलाम समझ के पढ़े और गौर व फिक्र और तदब्बुर के बाद पढ़े, फिर बताइए कि अल्लाह का ये कलाम उसके दिल पर असर नहीं करेगा। एक काफिर के दिल पर भी अल्लाह के कलाम का असर जरूर पड़ता है। जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो रोजाना तहज्जुद की नमाज के लिए उठते थे तो अपने सहन में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे घर के सहन में और जरा ऊंची आवाज से कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। तहज्जुद के बारे में मैं इंशाल्लाह आगे चलकर बयान करूंगा, आज नहीं तो किसी और मजलिस में। अल्लाह हमें भी तहज्जुद गुजार बना दे। दूसरों के बारे में तो मुझे पता नहीं, मैं देखा नहीं, पर मैं बतौर फख्र के कह सकता हूं कि मैंने हजरत के साथ मौलाना अब्दुल रहीम साहब के साथ बेशुमार सफर किए, असफार किए
और मैंने हर रात को हर सुबह को उनको तहज्जुद में पाया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई सुबह गुजर गई हो और तहज्जुद ना पढ़ी हो, और चाहे रात को 2 बजे सोए हों, चाहे रात को 3 बजे सोए हों, चाहे दौरान सफ़र हो, चाहे कहीं जाके हम ठहरे हुए हों, हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हज़रत मौलाना को मैंने तहज्जुद पढ़ते हुए देखा। अल्लाह हमें भी ये अच्छी सिफत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने सहन में रोज़ाना तहज्जुद पढ़ा करते थे और ज़रा ऊंची आवाज़ से पढ़ा करते थे और तिलावत करते हुए रोते भी बहुत थे। इनकी तिलावत की आवाज़ को सुनकर, उनकी तिलावत को सुनकर कुफार पे ये असर होता था, काफिरों पे, कि मर्द और औरतें अपना बिस्तर छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किरात को सुनने के लिए जमा हो जाते थे। मुसलमान नहीं, मैं काफिरों की बात कर रहा हूँ, काफिर मर्द और औरतें, इसलिए कि कुरान शरीफ का असर उनके कल्ब पे भी पड़ता था। या अल्लाह, इसलिए कि ये कुरान किसी मामूली हस्ती का तो नहीं ना कलाम, ये तो खालिक का कलाम है, अल्लाह अकबर। उस कलाम में कितना असर होगा, क्या तासीर होगी, दिल पर कैसा असर करता होगा। काफिर जमा हो जाते थे, और एक दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास काफिरों का गुरु पहुंचा और कहा, अबू बकर हम आपको मना नहीं करते तहज्जुद मत पढ़ो, हम आपको मना नहीं करते कुरान मत पढ़ो, हम आपको मना नहीं करते कि आप तहज्जुद पढ़ते हुए कुरान पढ़ते हुए रो मत, लेकिन हम ये दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि आप ये नमाज रात के वक़्त घर के अंदर कोठरी में पढ़ा करें, अंदर पढ़ा करें, सहन में मत पढ़ें, इसलिए कि इस कलाम के पढ़ने से हमारे बीवियों पर, हमारे बच्चों पर उसका असर होता है, और हम नहीं चाहते कि आपका पढ़ा हुआ कलाम हमारे बच्चों पर, हमारी बीवियों पर असर हो, इसलिए हम आपको कहते घर के अंदर पढ़ा करें, बाहर ना पढ़ें। तो जब काफिरों के दिल पर अल्लाह सुबहानहु व तआला के कलाम का असर पड़ता हो, आपने पढ़ा होगा, अभी इंटरनेट पर चले जाएं तो इंटरनेट पर भी आपको मिलेगा ये वाकया, और फ्लैश न्यूज़ पर हमने ये वाकया देखा कि हिंदुस्तान के फिल्मों में जो एक्टर हैं उन सब का एक फादर फिगर, यानी बड़ा मशहूर एक्टर है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन के बारे में ये न्यूज़ आई थी, वो कहता है कि मैं बहुत परेशान रहता था, परेशान, परेशानी के आलम में मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कुरान पढ़ा करो। तो उसका बयान है, आप इंटरनेट पर जाके सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, उसका बयान है कि कुरान के पढ़ने से मुझे बहुत तसल्ली हुई और मेरे कल्ब को बहुत सुकून महसूस हुआ। अब ये काफिर है, पढ़ रहा है तब भी काफिर है, पढ़ने से पहले भी काफिर था, तो एक जब काफिर का ये बयान, एक गैर मुस्लिम का ये बयान कि कुरान पढ़ने से मेरे दिल पर असर महसूस होता है, तमानीनत महसूस होती है, कल्ब के अंदर तकवियत आती है, सुकून मिलता है, तो फिर मेरे दोस्तों बताओ, अल्लाह सुबहानहु व तआला का अगर ये कलाम मुसलमान पढ़े और सोच समझ के पढ़े तो क्या उसको अल्लाह सुबहानहु व तआला के कलाम के असरात नहीं महसूस होंगे। और इस कलाम के पढ़ने की बरकत से ये बंदा अल्लाह सुबहानहु व तआला का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह की मोहब्बत में आगे ही बढ़ता जाता है।
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے جو کئی بار آپ نے اس ممبر و محراب سے سنا ہوگا کہ 99 مرتبہ 99 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہیں خواب میں زیارت ہوئی. 99 ٹائم اللہ کی خواب میں زیارت کی. اللہ آخرت میں بھی ہم کو اپنی پاک ذات کی دیدار اور زیارت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر لینی چاہیے کبھی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں بھی اپنی زیارت نصیب فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مانگو بھائی, اللہ کی اپنی زیارت مانگو, اور خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کرنا خود حدیث پاک سے ثابت ہے. رأیت ربی فی احسن صورہ, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار کو نہایت ہی اچھی صورت میں میں نے دیکھا ہے, خواب میں زیارت کی ہے اللہ کی. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 99 ٹائمز خواب میں اللہ کی زیارت کی. پھر فرمانے لگے کہ اب اگر مجھے اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے اللہ سے ایک سوال کرنا ہے, اللہ سے کچھ پوچھنا ہے. اپنے شاگردوں سے کہا, بچوں دعا کرو کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے تو میں نے سوال کرنا ہے. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ 100ویں مرتبہ بھی زیارت نصیب ہو گئی. کہیں نا سبحان اللہ. جب میں نے کہا آپ لوگوں کو اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے تو بہت زور سے آمین کہی, لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100ویں مرتبہ زیارت نصیب ہو رہی اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلا. 100ویں مرتبہ اللہ کی جب زیارت ہوئی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا, اے میرے اللہ, ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں آپ کا قرب حاصل ہوگا, آپ سے قریب ترین لوگ ہوں گے قیامت کے دن وہ خوش نصیب, آخر وہ کون ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اے میرے اللہ قیامت کے دن وہ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اگر وہ اعمال ہم سے ہو سکتا تو ہم بھی کریں گے, صرف سنیں گے نہیں بلکہ ہم کریں گے بھی. خبر کو بطور خبر کے سنو مت, خبر کو اس لیے سنو کہ اگر اس میں سبق ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو پوچھا, اے اللہ, وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے سے قیامت کے دن ان خوش نصیب انسان کو آپ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا, احمد, وہ میرا کلام ہے, وہ قرآن مجید ہے. کہ جو بندہ بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرے گا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. اور جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص الخاص رحمتیں عنایتیں اس پر متوجہ ہوں گی. ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ کی خاص الخاص رحمتیں اور انعامات اور عنایات نصیب ہو؟ کون ہے ایسا؟ سب چاہتے ہیں ہم میں سے. تو فرمایا, احمد, وہ میرا کلام ہے کہ میری کلام کا تلاوت کرنے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ میری رحمت کا, میرے قرب کا وہ مستحق ہوگا. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, اے اللہ, بفہمن او بلا فہمن, اے اللہ, وہ کون سا کلام, کیسے پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھ کے پڑھنا؟ سمجھ کے پڑھنے والے کو کل قیامت کے دن آپ کا قرب خاص حاصل ہوگا, یا اگر کوئی شخص بغیر سمجھے بھی آپ کا کلام سمجھ کر وہ تلاوت کرتا ہے, وہ پڑھتا ہے, تو اسے بھی قرب خاص میں مقام حاصل ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا, احمد, یہ میں اپنے کلام کی بات کر رہا ہوں. دنیا والوں کے کلام کا عالم یہ ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھے تو اسے فائدہ ہوتا ہے اور بغیر سمجھ کے پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں. احمد, یہ میرا کلام ہے,
समझ के पढ़े तो समझ के पढ़े, लेकिन अगर कोई बगैर समझ के भी मेरे कलाम को बकसरत पढ़ता है कयामत के दिन उसे मेरा कुर्ब खास हासिल होगा, उसे मेरा कुर्ब खास, चाहे बगैर समझ के पढ़े। ये अल्लाह का कलाम है। एक दफा मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से एक सवाल किया, मैंने कहा हजरत कुरान शरीफ को समझ के पढ़ने वाले को ज्यादा सवाब मिलता है या कुरान मजीद के बगैर समझ के पढ़ने वालों को ज्यादा सवाब मिलता है। मैंने कुरान शरीफ की बात हो रही थी तो मैंने ये सवाल कर लिया, तो फरमाया प्यारे इसमें दो ग्रोह हैं, दो जमातें हैं। एक जमात की राय तो यह है कि समझ के पढ़े तो उस इंसान को अल्लाह सुबहानहु व तआला का ज्यादा कुर्ब हासिल होता है बगैर समझ के पढ़ने वाले के मुकाबले में। तो फिर उलमाए किराम हो गए जो कुरान शरीफ के मानी को समझते हैं, उसके मतालिब को समझते हैं, उसके मफहूम को समझते हैं, वो लोग हो गए। फिर फरमाया कि दूसरी जमात की राय यह है कि जो आदमी बगैर समझ के पढ़ता है, समझ के पढ़ने वाला तो फिर उसकी लज्जतों में खो जाता है। कभी जन्नत का तस्कर आया तो जन्नत के मनाजिर में खो गया, कभी जहन्नम का तस्कर आया तो उसकी कैफियत में खो गया, कभी कोई तस्कर आया, कभी कोई तस्कर आया, वो उसके अंदर खो जाता है, उसको उसमें लज्जत महसूस होने लगती है, वो उसके मुतालिब सोचता रहता है, कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ वो निकल जाता है। फरमाया दूसरे जमात की राय यह है कि वो समझ के नहीं, वो सिर्फ अल्लाह का कलाम समझ के पढ़ता है, मानी नहीं समझता, वो ये समझता है ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब के जो है मेरे रब से निकला हुआ कलाम है और मैं अपने रब का कलाम समझ के पढ़ता हूँ। फरमाया दूसरी जमात की राय यह है कि समझ के नहीं बगैर समझ के पढ़ता है और सिर्फ इसलिए पढ़ता है मेरे रब का कलाम है। तो दूसरी जमात की राय में इस पढ़ने वाले को अल्लाह ताला उस दूसरे पढ़ने वाले के मुकाबले में ज़्यादा कुर्ब और ज़्यादा रहमतें नसीब करता है। और आगे फरमाया कि मेरा मसलक भी यही है कि बगैर समझ के पढ़ने वाले पर अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़्यादा रहमतें मुतवज्जे होती है। पढ़ने वाले के सामने तो और भी दूसरे बहुत सारे फवाइद हैं समझने वाले के लिए, लेकिन यहाँ तो बगैर समझ के पढ़ रहा और पढ़ इसलिए रहा है कि मेरे रब का कलाम है, तो ये इस वजह से उसके मुकाबले में अल्लाह से ज़्यादा कुर्ब हासिल करता है। और उन्होंने फरमाया कि मेरे नज़दीक ये दूसरा कौल पहले कौल के मुकाबले में ज़्यादा सही है। तो दोस्तों मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जिनका पढ़ने का मामूल है वो तो पढ़ते हैं, जिनके पढ़ने का मामूल नहीं है मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की करनी है तो कुरान शरीफ को कसरत से तिलावत करें। कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान मजीद का रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए। आपको पता है कुरान मजीद के कुल कितने रुकू हैं? मैं आम लोगों से पूछता हूं, अगर हर नमाज के साथ एक रुकू की तिलावत की जाए, हर नमाज के साथ एक रुकू बस, और दूसरी नमाज के साथ एक रुकू, फिर तीसरी नमाज के साथ एक रुकू, चौथी नमाज के साथ एक रुकू और पांचवी नमाज के साथ एक रुकू, तो इस रमज़ान से लेकर उस रमज़ान तक एक साल में 3.5 मरतबा वो पूरा कुरान शरीफ पढ़ सकता है, सिर्फ एक रुकू एक नमाज के साथ 3.5 कुरान शरीफ, और एक रुकू पढ़ना मुश्किल नहीं, कौन सा मुश्किल है? हर नमाज के बाद एक रुकू, या किसी एक खास नमाज के साथ 5 रुकू पढ़ लें, या हर नमाज के साथ एक एक रुकू पढ़ने की आदत डाल दें।
یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن شریف سے بہت زیادہ دور ہیں یا قرآن شریف کو اپنے سے بہت زیادہ دور کیا ہوا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ قرآن شریف نے انہیں اپنے سے بہت زیادہ دور کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ روزانہ ایک ہر نماز کے بعد ایک رکوع کی تلاوت کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سال مکمل ہوگا تو آپ کے 3.5 قرآن شریف تقریباً ختم ہو چکے ہوں گے سال میں، اس کی عادت بنائیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا اللہ کے کلام کی تلاوت، اور تلاوت کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو احادیث شریف میں پڑھنے کا بتایا گیا ہے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے کی بنیاد پر، مثلا یہ کہا گیا کہ روزانہ شام کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرو، الف لام میم سجدہ پڑھ کے سویا کرو، روزانہ صبح کو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیا کرو، جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی مغرب تک ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لیا کرو، جمعرات کی شام کو ایک مرتبہ سورہ دخان پڑھ لیا کرو، ہفتے میں ایک دفعہ 3 رکوع کی سورت ہے، 3.5 صفحے کی ہے۔ آج کی رات مثلا، آج کی رات گھر جائیں تو سونے سے پہلے سورہ دخان پڑھ لیں، جو لوگ آپ جا رہے ہیں حافظ قرآن ہے وہ راستے میں پڑھ لیں، 5 منٹ میں یہ سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ رات کو پڑھ لیا، صبح اٹھیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے اس حال میں اٹھیں گے کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیا ہوں گے، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنے والی۔ سورہ یاسین صبح شریف پڑھ لو، شام تک جتنی ضرورتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کلام کی برکت سے میں نے تمہاری تمام ضرورتوں کی ذمہ داری لے لی ہے، اب تمہاری ضرورتیں ہوں گی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنا میرا کام ہوگا۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ہے پڑھنے کا۔ تو جتنے یہ اورات بتائے گئے ہیں جو وقت کے ساتھ یا دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، ایک پڑھنے کا طریقہ تو یہ کہ آپ اسے پڑھیں، اور پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو کھول لیں اور پہلے سپارے سے پڑھتے 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 اس پڑھائی کو تیسرے سپارے تک پہنچائیں۔ یہ دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ رات کو جب آپ سونے کے لیے جائیں، بستر پر ہوں، تو 3-3 مرتبہ 4 کل پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں۔ یہ سورہ بقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کو پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کفتا، وہ اس نے ساری رات عبادت کی۔ تو ایک تو وہ اوراد ہے جس کے پڑھنے کا ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا روزانہ کی بنیاد پر، اور ایک طریقہ قرآن شریف کے پڑھنے کا یہ ہے کہ الف لام میم سے شروع کیا، ایک مخصوص وقت پہ بیٹھ جائیں اور پڑھنا شروع کریں اور پڑھنا شروع کریں اور اسے یہاں تک سورہ ناس تک پہنچا دیں۔ اور وہ حضرات جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں انشاءاللہ تعلیم بالغاں بھی شروع ہوگی، اور بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو بچپن میں جنہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا اور بچپن تک اسی انداز سے پڑھتے چلے آئے، کبھی کسی خاتون کے پاس پڑھ لیا، کسی لیڈیز کے پاس پڑھا، کبھی کسی حافظ صاحب کے پاس پڑھا، کبھی ایسے استاذ کے پاس پڑھا جو تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور کبھی ایسے استاذ کے پاس پڑھا جو بغیر تجوید کے پڑھاتے تھے، کبھی آدھا کچا آدھا پکا پڑھا۔ تو باقاعدہ طور پر ان کے لیے بھی ایک کلاس اہتمام کے ساتھ یہاں کھولی جائے گی، اور اس میں ان لوگوں کا قرآن سنا جائے گا اور ان لوگوں کو قرآن پڑھایا جائے گا کہ
जो है कुरान जो अच्छी तरह पढ़ना नहीं जानते या जिनको अपने बारे में इत्मीनान नहीं है कि मैं बहुत अच्छी तरह कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, उनको भी तालीम दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब वो क्लास खुली तो हम सब बैठेंगे, कहो इंशाअल्लाह बैठेंगे ना, अपने कुरान की तस्हीह कराएंगे ना। कैसे मुमकिन है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो कुरान शरीफ जो अल्लाह ने आसमानों से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में तदरीजन तदरीजन उतारा है, उसके अहकामात हैं, उसकी तिलावत भी मतलूब है, उसके अहकामात भी मतलूब हैं। तो अल्लाह पाक पूछेंगे कि मैंने इतनी मेहनत के बाद इतनी तकलीफ़ के साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रिसीव किया और ये कुरान शरीफ तुम तक पहुँचाया, और मैंने इसका अहतमाम किया कि इसके अंदर कोई दखल अंदाजी करने वाला दखल अंदाजी ना करे, और उसके लिए मैंने इतने सारे सारे फरिश्तों की हिफाजत के हजूम में मैंने इसको महफूज रखा, और वो कुरान शरीफ तुम्हारे पास आया और तुम्हें इतनी फुर्सत भी नहीं और तुम्हें इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि तुम मेरे कुरान शरीफ को पढ़ना सीख लो या मेरे कुरान मजीद की तिलावत करो। तो अल्लाह को जवाब क्या देंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, बस मैं आज अपनी बात को, इस मौजू को यहाँ ख़त्म करता हूँ। वो ये है कि अल्लाह की मोहब्बत को पाने के बाद इसमें तरक्की देना, इसको बढ़ाना, और इतना बढ़ाना कि ये मोहब्बत अल्लाह का मकाम क़ुर्ब और अल्लाह का मकाम मखसूस हमें दिला दे। तो ये कुछ आमाल है, उन आमाल में से सबसे बेहतरीन अमल और सबसे मुजर्रब तरीन अमल और सबसे मुकर्रब तरीन अमल कि जिसकी वजह से बंदा अल्लाह सुबहानहु व तआला का मकाम क़ुर्ब हासिल करता है, वो है कुरान मजीद की कसरत। जो किसी अकाबिर से मशाइख से बैत हैं, हाफिज़ कुरान हैं, तो उन्हें कहा जाता है दिन में 3 पारे पढ़ें, और हाफिज़ कुरान नहीं है तो उन्हें इस बात की ताकीद की जाती है कि दिन में 1 पारा पढ़ें। और चलो इंग्लैंड में आकर हम कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गए हैं, तो कम अज़ कम इब्तिदाअन तो हम हर नमाज के साथ या हर नमाज की तादाद के मुताबिक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 फर्ज नमाजें हैं दिन रात के 24 घंटे में, 5 रुकू से तो शुरू करें। अल्लाह ताला हज़रत के तुर्बत पर करोड़ा करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। मेरी मुराद अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत अक़दस उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहु व बर्रद मस्जाहु, मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं, आपके शेख, आपके इमाम हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल रहीम साहब के भी उस्ताद मोहतरम हैं, बल्कि तो इनसे तो कुछ ज़्यादा ही, हमसे ज़्यादा ही इनसे इनके साथ ताल्लुक़ रहा है। अल्लाह के यहाँ उनका क्या मर्तबा, क्या रुतबा, क्या मकाम, अल्लाह अकबर कबीरा। हाफिज़ साहब उनके सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि उनके खलीफा भी हैं। एक छोटा सा वाक़या उनका याद आ गया, मैं आपको बता दूँ आखिरी बात। मैं चाहता हूँ नीचे बैठकर करूँ ताकि 10 मिनट में ख़त्म करूँ, कुर्सी मिल जाती है तो कौन छोड़ना चाहता है कुर्सी, और कुर्सी भी फिर मौलाना अब्दुल रहीम साहब की कुर्सी हो तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता ना कुर्सी, मसला ही कुर्सी का है। आई एम अ चेयरमैन, नोबडी वांट टू लीव कुर्सी भाई। तो हज़रत का एक वाक़या सुनाऊँ, एक दफ़ा फरमाया कि शुरू ज़माने की बात है, एक मसला हमें बताया, मसला ये बताया कि आलमे इम्कान में अल्लाह अपने हबीब महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आलमे इम्कान में अल्लाह नबी भेज सकता है। मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है आलम इम्कान में। अगर कहीं नहीं आ सकता तो उसका मतलब ये अल्लाह मजबूर है। अल्लाह मजबूर तो नहीं ना, कि अल्लाह मजबूर है? अल्लाह मजबूर नहीं, अल्लाह जो चाहे सो करे, यफअलु मा यशाउ व यहकुमु मा युरीद, जो चाहे सो करे, जैसे चाहे हुक्म दे। तो आलम इम्कान में मुमकिन है कि अल्लाह सुबहानहू व ताला रसूलुल्लाह सल्लम के बाद भी नबी भेजे,
फिर आगे फरमाया मगर आलम वकू में ऐसा नहीं होगा, यानी होगा नहीं ऐसा, इम्कान में तो है कि हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला वादा कर चुके हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मेरे महबूब आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद मैंने किसी नए नबी को भेजना नहीं है, इसलिए अल्लाह नबी भेजेंगे नहीं। आलम वकू में तो नामुमकिन है लेकिन आलम इम्कान में मुमकिन है, अल्लाह की कुदरत में है। ये मसला बयान किया और बड़ा इल्मी मसला ये। फरमाया मसला तो मैंने उधर जब बयान कर रहे थे तो वहाँ एक साहिब कश बुजुर्ग बैठे हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे, सुन रहे थे वाकया। तो जब बयान ख़त्म हो गया तो वो बुजुर्ग आए हजरत के पास और आकर कहा हजरत क्या मसला बयान किया कि मैं देख रहा हूँ आलम कश में जाग रहे हैं, हाँ जाग रहे हैं, और जागते हुए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें ज़ियारत नसीब हुई। इस मसले में इख्तिलाफ़ है कि हालत यक्ज़ा में जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ियारत मुमकिन है या नहीं। अल्लामा इब्ने तैमिया, अल्लामा इब्ने क़य्यिम, उनके शागिर्द रशीद रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते मुमकिन नहीं, लेकिन जुमहूर फरमाते जुमहूर कि मुमकिन है। बेशक जिस तरह ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ियारत मुमकिन है, आलम बेदारी में भी अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो सकती है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में तो पता नहीं कितने सौ मरतबा ज़ियारत हुई होगी, 35 times उनकी लाइफ टाइम में उन्हें बेदारी में रसूलुल्लाह सब की ज़ियारत नसीब हुई, 35 बार। अल्लामा सुयूती ने जवाब दिया इन दोनों को, उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने चांद नहीं देखा तो जिन्होंने देखा है उनको तो जुटलाओ मत ना, तुम लोगों ने नहीं देखा पर जिन्होंने देखा उन्हें तो चांद को देखा है। अल्लामा इब्ने तैमिया इब्ने क़य्यिम को जवाब दिया कि जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है, तुमने नहीं देखा तो तुम इनकार तो मत करो ना, तुम भी ईद बनाओ जिन्होंने देखा है उनके मुताबिक, मुमकिन है। तो आलमे कहते हैं मैं मुकाशफा में था, मैंने देखा कि रोज़ा अथर से जालियां हटी हैं, पर्दे हटते हैं, दीवारें हटी हैं, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अकदस से बाहर निकले और शेख के मुखातब करते हुए कहा कि आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इस मैं ही देख रहा हूँ जब आप ये मसला बयान कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हजरत फरमाते हैं मैंने सुन लिया, और हजरत फरमाते हैं मेरी तबीयत बड़ी वहमीली है तो मैं वहम में पड़ गया कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुझे जो देख रहे हैं तो ताईदन देख रहे थे या तरदीदन देख रहे थे, यानी मेरी ताईद कर रहे थे कि मैंने सच कहा है सही कहा है या तरदीदन देख रहे थे, गुस्से से देख रहे थे। कहते मैं सोच में पड़ गया, अब मैं दुआ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, आखिर जब मेरा ये वहम बहुत बढ़ गया और मेरे को तकलीफ होने लगी तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस क़ुतबुल अख्ताब सैयदी मुर्शिदी मौलाई हज़रत अक़दस मौलाना ज़करिया साहब नवरल्लाहु मरकदहु को ख़त लिखा, और पूरा वाक़या जो मैंने बयान किया था वो भी लिखा, और फिर साहिब कश बुज़ुर्ग का भी सुनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अथर से निकल कर मुझे देख रहे हैं, लेकिन ए मेरे प्यारे हजरत मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो कही है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मुझे देख रहे हैं, ताईदन देख रहे हैं या तरदीदन देख रहे हैं, मैं वहम में पड़ गया हूँ। तो हज़रत की तरफ से जवाब आया हज़रत माना यूनुस साहब को, फरमाया प्यारे मुबारक हो कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम आपकी तरफ जो नज़र फरमा रहे थे वो ताईदन थी, इसलिए कि जिस बात की नकीर और तरदीद करनी हो अल्लाह के पैगंबर उसको देखा भी नहीं करते, जिसको नहीं देखना हो मेरे पैगंबर उस तरफ नजर ही नहीं करते,
یونس تیری طرف جو نظر کی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تائیدن نظر فرمائی. یہ ہے مقام, یہ مقام. اللہ اکبر. بارگاہ نبوت میں یہ مقام کہ یہاں گفتگو کریں, یہاں کلام کریں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے تائید ان کو ملی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ہم سبق پڑھ رہے تھے تو فرمایا کہ ایک حدیث آئی کہ جس میں پانی کم ہو گیا تھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا, اس پاٹ میں رکھا, پانی بڑھ گیا. تو پھر فرمایا کہ دو قول ہے کہ ہاتھ مبارک کے رکھنے کی برکت سے پانی بڑھ گیا یا واقعتاً پانی نکلا تھا. کہتے ہی دو قول تھے. تو میرا قول, میں اس وقت اس پر میں نے بڑی لمبی تقریر کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے رکھنے کی برکت سے پانی بڑھ گیا تھا. اس لیے کہ انسان کے ہاتھوں سے پانی کا نکلنا تو کبھی سنا نہیں تھا, تو یہ ضرور سنا ہے کہ برکت زیادہ ہو گئی, پانی تھوڑا تھا, ہاتھ رکھا اور سب کو کافی ہو گیا. کہتے ہیں میں نے یہ تقریر کی اور بہت لمبی چوڑی تقریر کی. حضرت فرماتے ہیں اسی رات کو میں سو گیا تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا, ہاتھ مبارک یوں رکھے ہوئے ہیں اور انگلی مبارک کے درمیان سے پانی کا فوارہ نکل رہا ہے. جس کی باتوں کا پاک بارگاہ نبوت میں یہ مقام ہو اللہ اکبر, ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا, ان لوگوں کا کیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, آخری بات حضرت فرمایا کرتے تھے وہ حافظ قرآن سے کہ حافظ ہو کم از کم کم از کم کم از کم ایک پارہ تم نماز میں پڑھا کرو. مجھے یاد ہے کہ مکہ شریف میں ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے تو مڑ کر فرمایا ارے میں کہا کرتا ہوں ایک پارہ پڑھا کرو, تو تم لوگ ویسے بیٹھے ہو, خام خواہ بیٹھے ہو, باتیں کر رہے ہو, کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر تم لوگ نماز میں ایک پارہ پڑھ لیا کرو. تو حافظ قرآن سے میں کہتا ہوں حضرت کی تائید میں کہ کم از کم دن رات کے 24 گھنٹے میں ایک پارہ قرآن مجید کا نماز میں پڑھنے کی کوشش کرو. اور جو حضرات قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک ایک رکوع پڑھنا شروع کریں, اور جو پڑھتے ہیں وہ حضرت کے مرید ہیں تو حضرت سے میں کہوں گا کہ اب ہر ہفتے توبہ کے الفاظ کہلوائیں, ہر ہفتے لوگوں سے توبہ کرائیں, اور جتنے بھی آپ کے پاس آئیں اور قرآن شریف کے بارے میں سبق پوچھنے کی کوشش کریں تو انہیں بتائیں, اور انہیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ جس طرح آپ کو قرب حاصل ہوا ہے, اللہ نے آپ کو محبوبیت اور مقبولیت سے نوازا ہے, آپ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ اس مقام تک لے جائیں. اس لیے کہ وہ کیسے کسی نے کہا ہے کہ کسی چونٹی کو خیال ہوا کہ میں خانہ کعبہ کو جاؤں تو اس نے کسی کبوتر کے پاؤں پہ چڑھ گئی. کبوتر مکہ شریف کی طرف جا رہا تھا, وہاں ٹھہرا تھا, تو چونٹی اس کے پاؤں کے ساتھ چپک گئی اور کبوتر خانہ کعبہ پہ پہنچا تو یہ چونٹی بھی وہاں خانہ کعبہ پہ پہنچ گئی. تو آپ ان اپنے مریدان باصفا کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا جو ہے سبق بھی دیں اور انہیں حاصل بھی کرائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بکثرت قرآن شریف کے پڑھنے والوں میں بنائے, بکثرت. اور نہیں تو میرے دوستو اگلے ہفتے تک میں آپ سے ایک دفعہ پوچھ ہی لوں گا کبھی, ہاں, کہ بھائی آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے, کس کس نے پڑھا ہے, ہاتھ کھڑے کر دیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں نیچے دیکھنا پڑے. کم از کم جو جنہوں ہاتھ نہیں لگاتے قرآن شریف کو ماں سوائے رمضان کے یا ماں سوائے جمعہ کے یا ماں سوائے کسی کی فوتگی کے, ان سے گزارش کروں گا کہ دن میں کم از کم ہر نماز کے ساتھ ایک رکوع کی ضرور بھی ضرور تلاوت کریں. میں آپ حضرات سے ارادہ پوچھنا چاہتا ہوں, تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں نہیں ارادہ کرو, میں آپ سے ارادہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کوئی کہ جو یہ مجھ سے وعدہ کرے ارادے کے طور پر ارادتاً کہ انشاءاللہ میں ہر نماز کے بعد یا دن میں 5 رکوع ضرور بھی ضرور تلاوت کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
फजीला तो हदूद पर है। आज ऐसी करनी था अरे दुरूद शरीफ में बची ठीक दुआ ठीक अभी दुरूद शरीफ होगा फिर दुआ होगी। بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباد الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل المقعد المقرب انك اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل على محمد وعلى ال ذي لا تسكت بعده ابدا اللهم صل على محمد نبيك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك رضا ولو جزاء ولحق اداء الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته وزي انما هو اهل وجزي ابدل ما جازيت نبيا قومي ورسولنا لأمتي وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي
التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. بسم الله بالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات والصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لنا وحدنا. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبد ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على थोड़ी देर लाइव ऑफ करके दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत दुआ फरमा देंगे। यहाँ अफ्रीका
इलाह आलमीन अल्लाह हमारे यहाँ जमा होना कबूल फरमा। अल्लाह तेरे नेक बंदों की महफिल में सोहबत में बैठे हुए हैं। अल्लाह दूर दराज से हम सब अहबाब आए हैं। अल्लाह इस महफिल में दसियों तेरे से मोहब्बत करने वाले अहले मोहब्बत, अहले नज़र, अहले फैज़, अहले ज़िक्र, अल्लाह इनकी बरकत से अल्लाह हम सब के सब गुनाह माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरे मालिक ये नफ्स व शैतान बीच में आकर अल्लाह हमें आपसे फिर बहुत दूर ले जाता है। अल्लाह फिर एक बार अल्लाह ऐसा रिश्ता जोड़ दीजिए, अल्लाह ऐसा ताल्लुक कायम फरमा दीजिए कि अल्लाह नफ्स व शैतान कुछ हमारा बिगाड़ न सके। अल्लाह हम तेरी मोहब्बत से अधूरे होकर अल्लाह आखिरत में आ गए, हमारा क्या होगा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, इस अहले मोहब्बत और अहले ज़िक्र और अहले फैज़ और अहले नज़र के बरकत से अल्लाह हमें भी मोहब्बत वालों में बना दीजिए। अल्लाह क़यामत के दिन अपने मोहब्बत करने वालों के साथ हमारा हशर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह हमने इसलिए गुनाह नहीं किए कि हम ये समझ कर के तू हमारे ऊपर कुदरत नहीं रखता, ऐसी बात हरगिज़ नहीं थी अल्लाह, लेकिन जहालत में, नादानी में, अल्लाह गफलत में, नफ्स व शैतान के धोखे में आकर अल्लाह हम तेरी नाफरमानी कर देते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाह ऐसे हमारे गुनाहों को बख्श और ऐसी महफूज ज़िंदगी नसीब फरमा के जिसमें हम तेरे गुनाह को और तेरी नाफरमानी को से अपने आप को दूर ले जाएं। ऐ मेरे मालिक, अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से अल्लाह हमें भी उन लोगों में बना दीजिए कि जिनको देखकर तुझे प्यार आता हो। ऐ अल्लाह, अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से हमारे सारी ज़िंदगी के सब गुनाह माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कभी हमसे तौबा टूट जाए और हम गुनाह कर बैठे तो अल्लाह नाराज़ होकर हमें धुतकार मत देना, अल्लाह हमें धकेल मत देना, अल्लाह हमें अपने से दूर मत कर देना। अल्लाह जो तुझसे दूर चला गया वो यकीनन खाइब व खासिर हो गया, अल्लाह वो तो तबाह व बर्बाद हो गया। अल्लाह जब गुनाह हो जाए फिर एक बार नजर करम फरमा कर अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे देना, अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे देना। अल्लाह फिर पहले से ज़्यादा मजबूत रिश्ता कायम करवा देना मेरे मालिक। मेरे मालिक हमें तो आप जैसे कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा कदरदान है। ऐ मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक, हम सब के साथ रहम करम का मामला फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह हम सब तेरी पाक बारगाह में अल्लाह दामन फैलाए हुए हैं। अल्लाह हमारी झोली को रहमत से भर दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम की, मशायख़ की, अल्लाह जुमला दोस्त अहबाब की, जुमला आशायर की, कबाइल की, तमाम रिश्तेदारों की, दोस्तों की, और बिलखसूस अल्लाह इस वक्त जितने लोग इस मजलिस में हाथ उठाए हैं और जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही और इस पर आमीन कही जा रही और जब जब ये आवाज़ सुनी जाएगी और उस पर आमीन कही जाएगी, अल्लाह उन सब की बतौर ख़ास अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से अल्लाह हमारे रिश्तेदारों में बल्कि कुल उम्मत में अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। हमारे वो मशायख़ व असातिज़ा इकराम अल्लाह जो बक़ैद हयात हैं अल्लाह उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, इल्म व अमल में, उनके फैज़ में अल्लाह उनके हर तरह की खैर में बरकत ही बरकत अता फरमा। इलाल आलमीन अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से हम सब के अल्लाह छोटे बड़े, अल्लाह मर्द औरत जितने भी अल्लाह हम सबको
मोहब्बत अहले मोहब्बत में बना दे, अहले मारिफत में बना दे। इलाल आलमीन इस मस्जिद को आबाद फरमा, इस मस्जिद के आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने इस मस्जिद के बनाने में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, ए अल्लाह जो इनके बानी मबानी हैं, अल्लाह इनके बच्चे इनके भाई बहन और इनके जमी मुसल्ली और इनके अल्लाह इस मस्जिद के तमाम खिदमत गुजार अल्लाह सब को अपनी पाक बारगाह में मकबूल व मंजूर बना, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में मंजूर नज़र बना ले। अल्लाह जो इस मस्जिद को चलाते हैं, इस मस्जिद के अंदर इमदाद करते हैं, इस मस्जिद में पढ़ाते हैं, इस मस्जिद को साफ करते हैं, अल्लाह जो भी इस मस्जिद की खिदमत करते हैं, अल्लाह हर माली खिदमत हो, अल्लाह जानी खिदमत हो, अल्लाह जिस्मानी हो जहनी हो, इस मस्जिद के तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह उन सब को अपनी पाक बारगाह में मकबूल बना। ए अल्लाह अपने हबीब व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान के तारों से ज़्यादा, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, बारिश के कतरों से ज़्यादा, समुंदर की जागों से ज़्यादा, दरख्त के पत्तों से ज़्यादा और घास के तिनकों से ज़्यादा और तेरी तमाम मखलूक़ात की सांसों और बालों से ज़्यादा, ए अल्लाह एक एक सेकेंड के भी करोड़ हा करोड़ हिस्से करके उसके भी हर हिस्से में और हमेशा के लिए हमारे हमारे घर वालों के नामों के साथ अल्लाह उन पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमा। अल्लाह उन पर, उनकी औलाद पर, उनकी अजवाज मुतहरात पर, उनके अस्हाब पर, सहाबियात पर और अल्लाह इनकी उम्मतों के बड़े बड़े उलमाए किराम और औलिया पर करोड़ा करोड़ रहमतें नाजिल फरमा। इलाल आलमीन अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से अल्लाह हमारी तमाम की तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें तमाम की तमाम हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा, तमाम मुसीबतों को दफ़ा फरमा। ए अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमें हमारी औलादों और नस्लों में अल्लाह हर दौर में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा। ए अल्लाह हर दौर में हमारी औलाद व नस्ल में आलिम दीन पैदा फरमा। ए अल्लाह मुहद्दिस व मुफस्सिर व मुफ्ती व दाई इलल्लाह और अल्लाह तेरे मखलूक को दीन तेरा दीन पहुँचाने वाला और ऐसा मकबूल बंदा बना के तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा को जन्नत में ले जाने वाला बने। अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा। ए अल्लाह वो औलाद जो माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, महल्ले वालों के लिए, ख़ानदान के लिए और अल्लाह पूरी दुनिया वालों के लिए अल्लाह वबाल जान बन जाए, अल्लाह ऐसी औलाद से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे तमाम मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की, खानकाहों की, जमातों की, जमीयतों की, उलमाए किराम की, हुफ्फाज़ इज़ाम की, अल्लाह मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की और तमाम मुसलमानों की बल्कि तमाम इंसानियत की अल्लाह तो हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलाते रहना। अल्लाह जब मौत का वक़्त आए ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह शैतान के धोखे में मुब्तला होकर ईमान से फिसल जाने से हमारी हिफाजत फरमा। इलाल आलमीन इलाल आलमीन इलाल आलमीन जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सब तेरी मोहब्बत में कहाँ कहाँ से जमा हुए हैं अल्लाह इनका जमा होना कबूल फरमा। अल्लाह इनका जमा होना कबूल फरमा। अल्लाह इनका जमा होना कबूल फरमा। अल्लाह अपने अवलिया के सदक़े, अल्लाह अम्बिया के सदक़े और ख़ुसूसन सैयदुल मुरसलीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लम के सदक़े अल्लाह हमारे कल्ब पे भी अपनी मोहब्बत के छींटे डाल दीजिए। ए अल्लाह हमें सब के दिल में अपनी मोहब्बत से हमारे दिलों को जगा दीजिए। इलाल आलमीन जिक्र की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जिक्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिक्र की लज्जत और अल्लाह इसकी हलावत नसीब फरमा। अल्लाह अपने कलाम पाक का पढ़ना नसीब फरमा। अल्लाह हमारी ज़बानों को अपने कलाम पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें पता है हमारे गुनाह इतने ज़्यादा है, तू नाराज़ होकर अपने कलाम पाक की लज्जत से और तिलावत से हमारी ज़बानों को महरूम कर दिया। अल्लाह हम तौबा करते हैं बिलखसूस उस गुनाह से कि जिस गुनाह की वजह से हमें कुरान की तिलावत हमसे दूर हो गई और छूट गई, अल्लाह उस गुनाह को बिलखसूस माफ़ फरमा। अल्लाह बिलखसूस माफ़ फरमा। अल्लाह बिलखसूस माफ़ फरमा। अल्लाह जो कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं अल्लाह उनके सदक़े हमें भी कुरान शरीफ पढ़ने वाला बना। ए अल्लाह जब दुनिया से अपने पास बुलाए तो आखिरी वक्त भी हमारी ज़बान पर बावाज़ बुलंद कलमा तैयबा
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما. اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہمارے جاننے والوں میں, ہمارے گھر والوں میں, ہمارے بیوی بچوں میں, اے اللہ کوئی بیمار ہوں جس طرح کا بیمار ہو اللہ انہیں صحت عطا فرما, پریشان ہو تو ان کی پریشانی کو دور فرما, اے اللہ کسی طرح کے ظلم و ستم میں ہو اللہ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری دعائیں اپنے سونے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے تو پھر قبول و مقبول فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی کریم. الحمدللہ رب العالمین.